ये तो खबर ब्रेक हो गई थी। छह उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी अभी आरजेडी ने की थी, एक बार फिर से बड़ी खबर के तौर पर चल रहा है। विश्रामपुर से नरेश सिंह, हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव, काम नहीं आया आरजेडी का प्रेशर पॉलिटिक्स। तो हम लोग तो 72 घंटे से कह रहे हैं कि आरजेडी घुटने टेकने को तैयार बैठा था, जेएमएम के सामने कर दिया सरेंडर। चार दिनों से सीटों को लेकर आरजेडी का चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। तो आरजेडी का जो बिट देखते हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल साहब ने आज लाइव चैट में मुझसे कहा कि सर मेरे सामने दिवाली का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें 50% तक का ऑफर है, मेकिंग चार्ज पर 30% है। अजय लाल जी की बात सही हो गई, एक बार अजय जी से बात करा दीजिए। काफी समय से आरजेडी की बीट को देख रहे हैं और दो दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि ये घुटने टेक देंगे क्योंकि दौर बदल गया है। भोक्ता जी ने फोन नहीं उठाया है, भोक्ता जी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी अजय जी से समझते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ गए हैं। अजय लाल लगातार आरजेडी देखते रहे, सालों का अनुभव है अजय लाल को। अजय लाल जी, दो नाम, दो एक सूची जारी हो गई आरजेडी की जो हमारी दिन में बात हो रही थी और मुझे दो बातें याद आ गई। पहली तो कि आज से सत्यानंद भोक्ता साहब का करियर लगता है, राजनीतिक करियर खत्म हो गया, अब उनका राजनीतिक जीवन नहीं रहा। उनकी बहू रश्मि प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगी चतरा से और उनको शायद हो सकता है महुआ मांझी जी को अगर रांची विधानसभा मिलता है, जीत जाती है, तो राज्यसभा का जो सीट खाली हुआ है उसके लिए सत्यानंद भोक्ता साहब को तैयार किया गया हो। कितना तैयार हुए नहीं हुए देखना दिलचस्प होगा। और दूसरा जो बड़ा सवाल कि आप जो दिन में बता रहे थे कि कोई पोस्टर आपके सामने दिवाली का लगा हुआ था, 50% डिस्काउंट और 30% मेकिंग चार्ज, ये कौन सी वाली डील आपको लग रही है अजय लाल जी? देखिए, राजद में चर्चा यह है अभिषेक जी, इस संगठन को तेजस्वी यादव ने गिरवी रख दिया। ये राजद के तमाम कार्यकर्ता, किसी से भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लें, तमाम लोगों में तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब संगठन ही नहीं रहेगा, जब पार्टी ही नहीं रहेगी, तो फिर किस बात का चुनाव और किस बात का लालू प्रसाद, किस बात का तेजस्वी यादव। तमाम लोगों में नाराजगी है। अब से थोड़ी देर पहले की जो डेवलपमेंट है कि गिरिनाथ सिंह ने राजद को छोड़ दिया जी, राजद को टाटा बाय बाय कह दिया, वो पुराने नेता है राजद के, सपा में चले गए, अध्यक्ष भी रहे, वो वापस राजद को छोड़ दिया, अब वो सपा में चले गए। उसी तरह से कई अन्य जगह है जहां पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसा कि मैं सुबह से ही आपको कह रहा हूं कि पता नहीं राजद कौन सा चुनाव लड़ रहा है, कौन सी राजनीति है उनकी। तो मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ अजय लाल जी, की जो दिवाली का पोस्टर आपने देखा था, आपको कौन सी डील नजर आ रही है इसमें? मुझे लगता है कि 50% कैश डिस्काउंट वाला मामला ज्यादा मुझे लग रहा है। 4-5 दिनों तक तेजस्वी यादव राजधानी रांची के होटल में बैठे रहे। 2-3 सवाल में आपको बता, सवाल में मुद्दा उठाना चाहूंगा। पहला यह कि राजद के तमाम नेताओं को यह कहा गया था कि आप मीडिया से बात नहीं करें। कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी लाचारी है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको छिपाना है? मीडिया से बात करने के लिए तमाम लोगों को पाबंदी थी। कोई बोलने वाला था तो सिर्फ एक व्यक्ति, उनका नाम था मनोज कुमार झा, वह भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कभी क्या कहना चाहता है कोई भी मीडिया समझ नहीं पाई। उसके बाद तो गायब ही हो गया ताकत की, सांप्रदायिक ताकत। अच्छा अजय लाल, अजय लाल आखिरी सवाल आपसे, सत्यानंद भोक्ता साहब का राजनीतिक करियर समाप्त मान लिया जाए, दर्शकों को क्या बताएं कि आज के बाद सत्यानंद भोक्ता साहब का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, अब उनकी बहू रहेंगी राजनीति में? देखिए अभिषेक, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। एक होता है राजनीति में मैनेजमेंट। सत्यानंद भोक्ता एक ऐसा शख्स था जो मुख्यमंत्री के साथ पूरे 5 साल घूमता रहा। वो शख्स यदि
सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हो, सत्यानंद भोक्ता दिखाई पड़ते थे मां सोन के साथ, उसके बाद हर घर नल योजना की शुरुआत करनी है, सत्यानंद भोक्ता दिखाई पड़ते थे, मैया समान योजना की बात है, सत्यानंद भोक्ता देखते थे, लेकिन पूरा पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरा कांग्रेस उनकी वफादारी का कोई उन्हें इनाम नहीं दे पाया। एक भी सीट सत्यानंद भोक्ता के लिए निकाल देता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तो ये उपलब्धि होती। दूसरी तरफ देखिए भाजपा ने क्या किया, चतरा में लोजपा का कोई उम्मीदवार नहीं था, भाजपा ने कहा कि आप हमारे जनार्दन पासवान को ले लीजिए और उन्हें सिंबल दे दीजिए। चतरा से जनार्दन पासवान भाजपा के उम्मीदवार हो गए, भाजपा ने अपना उम्मीदवार दे दिया। उसके बाद बड़का गांव में आशू का वो सीट माना जाता था, आशू के उम्मीदवार को भाजपा ने गोद ले लिया। ये होता है मैनेजमेंट। और दूसरी तरफ आपने क्या किया, बेरोजगार कर दिया सत्यानंद भोक्ता को। अब 109 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अब तो कुल मिलाकर साथ घूमने वाली स्थिति रह गई, जबकि इतने बड़े पद पर मंत्री थे और काफी बैलेंस व्यक्ति लगते हैं, एक अच्छे नेता का इतना मतलब कम उम्र में राजनीतिक जीवन से इस तरीके से उनको धकेल कर कहें कि धकिया के राजद ने निकाल दिया उनको। दूसरे की तो बात छोड़िए, राजद ने जिस तरीके से आज सूची जारी की है यह तय है कि राजद घुटने टेक चुका है। बिल्कुल अभिषेक, इसमें कोई अब शक की बात नहीं रही कि राजद की मजबूरी हो गई कि उसे गठबंधन के साथ ही चलना है। अभी आप चले जाइए पलामू के क्षेत्र में, गढ़वा के क्षेत्र में, कैमरा ऑफ कर दीजिए, फोन ऑफ कर दीजिए और कार्यकर्ताओं से पूछिए कि आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर जो बातें आप कह रहे हैं, विरोध का स्वर लगातार हमें भी मिल रहा है और गिरिनाथ सिंह का जाना है कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज है। अब आरजेडी इसको कैसे देख रही है, भविष्य में कैसे भुनाएगा, ये तो देखने लायक मुद्दा होगा। जैसे चमरा लिंडा साहब चुनाव लड़ गए थे, वैसे ही गिरिनाथ सिंह साहब भी चुनाव लड़ लेंगे कहीं से, और उसके बाद फिर सब कुछ एक जगह पे नजर आएगा। बहुत धन्यवाद अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।